मानव सेवा करना ही मेरा पहला उद्देश्य है, भामाशाह श्रवण करोड़िया। अब हर ग्राम पंचायत में भामाशाह करोड़िया दे रहे हैं खाद्य सामग्री। पिछले 21 तारीख से जरूरतमंद लोगों को खिला रहे थे खाना। अब हर ग्राम पंचायत को दे जरूरतमंद लोगों के लिए दे रहे हैं खाद्य सामग्री। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में 21 मार्च से लॉकडाउन कर रखी है, जिससे गरीब असहाय दिहाड़ी मजदूरों के सामने ये एक विकट समस्या खड़ी है। इसी को देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियां, कई ट्रस्ट, कई भामाशाह इन बेघर बेसहारा लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने में जी जान से लगे हुए हैं। इसी तरह हरमाड़ा जोड़ला निवासी श्रवण कुमार कारोड़िया, जब से लॉकडाउन लगा है तब से जरूरतमंद लोगों के लिए सुबह और शाम घर घर जाकर खाने के पैकेट वितरण कर रहे थे। और अब कारोड़िया ने ठानी है कि गांव में भी इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न है, जिसको देखते हुए हर ग्राम पंचायत में भामाशाह कारोड़िया खाद्य सामग्री सोमवार से ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसकी बांटने की जिम्मेदारी पंचायत प्रशासन की होगी। इसी शहर मोरिजा सरपंच मंगल चंद सैनी को गरीबों के लिए घरेलू सुख सुविधा खाद्य सामग्री दी गई है, जहां सरपंच गरीब लोगों को वितरण करेंगे। वहीं कारोड़िया ने बताया कि सभी गांव के लिए पुलिस कमिश्नर जयपुर को हर पुलिस स्टेशन के लिए 21,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। उस चेक के रुपए से पुलिस गरीबों को खाना खिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर। कुमार सैनी, जब से लॉकडाउन लागू हुआ, जब से पूरी सब्जी 500-600 आदमी डेली बना के बांट रहा हूँ। और हर पंचायत में पिछले दो दिन से सूखी खाद्य सामग्री वितरण कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। बार में लागत।